नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टियागो सीएनजी के टॉप मॉडल के बारे में, जिसमें टाटा ने बहुत गंदी कॉस्ट कटिंग की है। मैं कहूँगा एक कॉस्ट कटिंग नहीं करनी थी, वैसे मेरे को इसमें तीन कमियाँ लगी, वही मैं आपको बताता हूँ। एक नहीं करनी थी, दो चलो चल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो अंडर द हुड है, आप इसको बैटरी देखिएगा, मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये पहले आप देखा होगा किसी भी कार में नट से टाइट की जाती थी, मगर यहाँ पर स्ट्रैप की मदद से टाइट की गई है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक पार्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो रियर से आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है, इसमें भाई साहब सेंसर नहीं मिलते। लोअर वेरिएंट में सेंसर आते हैं, इसमें सेंसर कंपनी ने काट लिए या तो देना भूल गई है। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वो देना भूल गए हैं कि इन्होंने काट लिया है। और सेफ्टी के लिहाज से ये कटिंग नहीं करनी थी। और तीसरी चीज़, यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर, और ये आपको रिवर्स लैम्प मिल जाती है। और भाई साहब ये डमी है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलता। अगर आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो सिर्फ राइट साइड की लाइट जलती है और लेफ्ट साइड की लाइट उसमें है ही नहीं। ख़राब क्या हुई, आप पीछे से देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, मगर उसमें राइट साइड की लाइट है और लेफ्ट की लाइट है ही नहीं। चलो कोई भी, ये भी कॉस्ट कटिंग कर ली टाटा मोटर्स ने, हम मानते हैं, मगर भाई साहब रिवर्स पार्किंग सेंसर नहीं कॉस्ट कट करनी थी, क्योंकि एक छोटी कार है तो आप इसको सिटी यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अगर रिवर्स पार्किंग सेंसर भी दिए गए होते तो काफ़ी सही रहता। तो ये सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही फर्दर वीडियो के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।